बियर पुड़ी जगह है पटना में, यहाँ पे टुन टुन करके एक शॉप है, तो ये उनके ओनर है और यहाँ पे काफी फेमस है इनका दही वड़ा और चूरा गुंद, तो ये दो चीजें यहाँ पे काफी फेमस है। तो अंकल जी नमस्ते, कैसे हो आप? तो अंकल आपका नाम? अंकल प्रसाद। तो अंकल आपकी शॉप को कितना समय हो गया? लगभग 40 साल। तो अंकल के दही वड़े यहाँ पे फ्रेश होते हैं, काफी फेमस है यहाँ पे। तो गाइज अभी यहाँ पे कस्टमर तो है, तो सर कैसा है यहाँ का चूरा गुनी? बढ़िया। तो सर आप लगभग कभी से आ रहे हो यहाँ पे? 98 से आप यहाँ पे रेगुलर कस्टमर हो। तो अंकल जी हमारे लिए एक दही वड़े का प्लेट लगा दीजिए, देखते हैं कि इसकी कैसी प्लेटिंग होती है, कैसी सर्विंग होती है। नहीं लगा? नहीं, पानी मारा। कौन? कट गया। बर्गर 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 देने पूरे ये क्या? कौन सी चटनी है सर? इमली का जी। इमली का चटनी? इमली का चटनी। तो गाइस हमारा दही वड़ा प्लेट रेडी हो गया। तो अंकल इसका प्राइस क्या पड़ता है? ये 35 रुपीस प्लेट है, 20 रुपीस है। 20 रुपए का एक पीस आता है गाइस। पीस भी काफी बड़ा है, आप देख सकते हो, काफी फ्लेवर्स भी है इसमें, मतलब फ्लेवरफुल है। और 35 रुपीज अब प्लेट है। और अंकल चूरा गुनी भी हमारे लिए एक लगा दो, देखते हैं। चूरा गुनी का देख लीजिए आप, 50 रुपये आ गई सब्जी। तो सब्जी भी काफी क्वांटिटी में यहाँ पे बनी रहती है। तो अंकल ये मतलब कितने बजे तक खत्म हो जाता है आपका सब माल? 7 बजे तक। अच्छा, तो देख सकते हैं काफी बढ़िया है। जवा दे भैया, आ दे। हाय, बहुत दही वाला रख दो। ये मसाला आ गया, काला नमक, काफी बढ़िया लग रहा है गाइस, आप देख सकते हो। मतलब गाइस स्पाइसी और स्वीट दोनों का एकदम बेस्ट मिक्सचर है यहाँ पे। आपको अगर हल्का लंच करना है या ब्रेकफास्ट करना है, लाइट खाना है, तो भी ये काफ़ी बढ़िया है। स्पाइसी और स्वीट का कॉम्बिनेशन अंकल के पास मिल जाएगा और 50 रुपीज़ में दोनों हो जाता है। अंकल इसका प्राइस क्या पड़ता है चना गुने का? 30 रुपये। तो गाइस 30 रुपीज़ इसका और 20 रुपीज़ अब पीस। और अगर आप दो दही वड़ा चाहिए तो 35 रुपीज़ का प्लेट पड़ता है। 50 रुपीज़ मैक्सिमम 65 रुपीज़ में आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट या लाइट लंच हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए यहाँ पे। तो गाइस अगर आप पटना विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना। अंकल यहाँ का एड्रेस एक बार बता दीजिए। बोर्ड ऑफिस मंदिर के सामने दुकान है। मंदिर के सामने। तो गाइस आप लोग पटना विजिट कर रहे हो तो अंकल जी के शॉप को ज़रूर विजिट करना और यहाँ का दही वड़ा ज़रूर ट्राई करना।